समुद्र पर बना हो एक पुल और उस पर से गुजर रही हो आपकी ट्रेन, ये सोच कर भी कितना अच्छा लगता है ना। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंद भारत में और मैं हूँ आयुषी। जरा सोचिए कि आप एक ऐसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं जो एक ऐसे पुल पर बनी है जो किसी नाव के आने पर खुल जाता है और वापस बंद भी हो जाता है। ये पुल इसलिए भी इतना खास है क्योंकि ये 100 साल पुराना है और 1988 के बाद रामेश्वरम को अन्य जगहों से जोड़ने का ये एकमात्र जरिया था। यहाँ बात हो रही है भारत के सबसे अनोखे रेल रूटों में से एक, रामेश्वरम के पंबन रेल रूट की। इसे इंजीनियरिंग का एक अनूठा नमूना कहा जाता है। ये 2009 तक भारत का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज था। इससे ट्रेन जाती थी और ये काफी कम ऊंचाई पर जाती है। अब बांद्रा वोर्नी सीलिंग सबसे लंबा समुद्री ब्रिज बन गया है। लेकिन इस रेल रूट की खासियत ये है कि ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, साथ ही साथ इसे भारत के कुछ खतरनाक ब्रिजेस में से भी एक माना जाता है। अगर समुद्र अशांत हो जाए तो लहरें ऊपर तक आ जाती हैं। आपकी आंखें जहां तक देख सकेंगी वहां तक आपको सिर्फ नीला पानी दिखेगा। ये ट्रेन सफर आपको हमेशा याद रहेगा। ये ब्रिज 2.5 किलोमीटर लंबा है और 1 मीटर चौड़ा। क्योंकि ये ब्रिज इतना संकरा है इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि ट्रेन पानी में ही चल रही है। ये एक एडवेंचर भरी यात्रा आपके लिए हो सकती है। ये ब्रिज 143 खंभों की मदद से समुद्र पर टिका हुआ है। ये अपने आप में किसी ट्रैवल डेस्टिनेशन से कम नहीं। ये रामेश्वरम तक जाने का सबसे प्रसिद्ध मार्गों में से एक है। लेकिन अगर आप इस रेल में यात्रा करना चाहते हैं तो आपको अपनी ट्रिप पहले से ही जरा प्लान करके चलनी पड़ेगी। चलिए आइए जानते हैं किस तरह से आप अपनी ट्रिप को प्लान कर सकते हैं, साथ ही इस रेल रूट से जुड़े कुछ अनोखे फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। टिकट बुक कराने से पहले ध्यान रखें, इस रेल रूट पर सफर करने का सबसे अच्छा तरीका है रामेश्वरम चेन्नई एक्सप्रेस के जरिए। ये शाम 5 बजे हर रोज रामेश्वरम स्टेशन से गुजरती है। पंबन जंक्शन एक रेलवे स्टेशन है जहाँ से आप इस ट्रेन में चढ़ सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं इस रेल रूट से जुड़े कुछ अनोखे फैक्ट्स। इस ब्रिज को बनाने की शुरुआत 1911 में हुई थी और इसमें से पहली ट्रेन 1914 में 24 फरवरी को हुई थी। ये 2007 में मीटर गॉज से ब्रॉड गॉज में बदला गया है। इसे जर्मन इंजीनियर सैचर्जर ने डिजाइन किया है। इस ब्रिज के नीचे से करीब 10 से 15 नाव हर महीने गुजरती हैं। ये देखना एक बेहतरीन अनुभव होता है। 1964 के चक्रवात को ये ब्रिज झेल गया था। तब वहां के लोगों को ऐसा लगा था कि ना ही ये ब्रिज बचेगा और ना ही कभी इस पर से कोई रेल गुजर पाएगी। इसके पास बसा धनुषकोड़ी गांव पूरी तरह से इस चक्रवात में बर्बाद हो गया। इसी चक्रवात के दौरान एक बुरा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। ये तेज हवाओं के कारण हुआ था। इसके बाद इस ब्रिज में लगाए गए सेंसर जो हवा मापते हैं, इससे जब भी हवाएं 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा होती हैं, तो ट्रेन रोक दी जाती है। ये रेल रूट बहुत खास है और तमिलनाडु में पर्यटन का एक अनोखा साधन है। इसे देखने और ट्रेन में सफर करने देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं। जब ब्रिज को खोला जाता है और उसके नीचे से नाव निकलती है तब ये पिकनिक स्पॉट जैसा लगता है। यह अनोखा आकर्षण देखना यकीनन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप पैंडेमिक के बाद रामेश्वरम की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये ब्रिज आपके लिए एक अलग अनुभव हो सकता है। चलिए अब चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले किसी एपिसोड में इंडिया के मोस्ट आइकॉनिक और एक्सट्रीम वंडर्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ हिंद भारत। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।